नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेबी कुमारी। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। उन्नाव के सफीपुर से है। सफीपुर कोतवाली के अब्दुल्लापुर गांव निवासी एक 14 वर्षीय किशोर को किसी बात को लेकर उसकी दादी ने जमकर फटकार लगा दी, जिससे क्षुब्ध होकर किशोर ने गांव के बाहर पेड़ से गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। रिपोर्ट अवधेश कुमार, उन्नाव। ये आंदोलन किसानों के हक के लिए है और इससे जो तीन काले कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाया है उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तथा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम तत्काल संपन्न हुआ। इसमें व्यवधान पुलिस ने डाला, पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी चीज का विरोध करना। हमारे विरोध करने के अधिकार को यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इस योगी के कहने पर, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर यह आंदोलन को रुकाया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर के आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा तैयार रहिए, आगे और विषम परिस्थिति आने वाली है। आप लोगों को संघर्ष के लिए तैयार रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समय। किसान आंदोलनकारियों को किसान आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े किसानों को। किसान आज रोपारी की दरार पर है और लोग पुलिस के जवान वो अपने परिवार से खुश हैं। इस पर उन किसानों की बसर, उन परिवारों की बसर नहीं होगी। आगे की बारे में क्या सोचा आपने? आज रोक दिया गया है, आज हमारे कई गाड़ियों का चालान कर दिया गया है। कई ऐसे ट्रैक्टर हैं जो थाने में खड़े हैं, दियोमई चौकी में कई ट्रैक्टर खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो किसानों का आक्रोश है जो सरकार पर, आज वो निकल कर सड़कों पर आपको देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम से किसानों में जो एक संदेश गया है कि नहीं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। और समाजवादी पार्टी किसानों के हित में लगातार काम कर रही थी, काम कर रही है। आगे सरकार बनेगी तो काम करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो आगे का जो भी निर्देश माननीय अध्यक्ष जी से प्राप्त होगा वो हम लोग उस पर जो है अमल करेंगे और उसको लगातार करते रहेंगे। जय जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, भारत माता की, कुश वर्मा जिंदाबाद, 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 कुश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।